ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनुशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी। प्रणमामि हरि प्रिये वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सेवंथ कैंटो इलेवेंथ चैप्टर जिसमें कि हम लोग परफेक्ट सोसाइटी जो चार वर्ण आश्रम से बनी है उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं और हमने श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 का ट्रांसलेशन पढ़ा था। इसमें हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्यों को पशुओं से अलग समझने के लिए नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपर्युक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। मनुष्यों को पशुओं से अलग करने के लिए आजकल हम देखते हैं कि होड़ लगी हुई है कि कैसे पशु की तरह एंजॉय किया जाए। तो आदमी पशु जैसा बनना चाहता है, इसलिए कुछ ऐसे टॉनिक पीता है जिसका नाम भी पशुओं के ऊपर है। तो पशु जैसी एनर्जी प्राप्त करना चाहता है ताकि वो पशु की भांति भूख कर सके, खा सके, भाग सके, उसका शरीर पशु के समान हो जाए, गैंडे के समान उसके कट्स आ जाए बॉडी में, जिराफ की तरह शेपी बॉडी हो जाए, चीते की तरह भाग सके, कबूतर और बंदर की तरह संभव कर सके। तो आदमी की इस वक्त कंपटीशन जो है वो पशु है। कितने शर्म की बात है कि हमारी कंपटीशन अब पशुओं से है। इसलिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन टॉनिक संसार में आ रहे हैं ताकि हम लोग पशुओं को मात दे पाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि भारतवर्ष संसार से कॉम्पीट कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, कैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, कैसे हमारी सड़कें उनसे बेहतर हो जाएं, कैसे हमारी इमारतें उनसे ऊंची हो जाएं। लेकिन जैसे मनुष्य का जो कंपटीशन है अगर वो धर्म के आधार पे करे तो वो पशुओं से बिल्कुल सुप्रीम साबित हो जाता है। वैसे ही भारत के नागरिक अगर ये समझ सकें कि जो वास्तविक धर्म है, भगवान के प्रति प्रेम है, जो हमारी संस्कृति है, इसके आधार पर यदि हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल उन लोगों से डिफरेंट और सुप्रीम बन सकते हैं और उनको भी अपने जैसा बना सकते हैं। वी डोंट वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम देम। सभी को सुप्रीम बनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हमारी जो सुप्रीमेसी है मनुष्य की,
वो इस चीज में है, धर्मो हितेषु अधिको विशेष। अदरवाइज हम लोग अगर कम्पीट कर भी लेंगे तो क्या साबित करेंगे, हम जानवरों से जीत गए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि पशुओं से अलग समझने के लिए नारद मुनि ने ये 30 गुण बताए। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का विज्ञापन किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि किसी भी धर्म को आप प्रमोट मत करो, क्योंकि एक को प्रमोट करोगे तो दूसरा कहेगा मेरा क्या, तुम भेदभाव करते हो। तो बोला कि किसी को भी प्रमोट मत करो, सबको जीने दो जैसा जी रहा है। मतलब कहने का मतलब है सबको अपने आप करने दो। जबकि एक लीडर का ये दायित्व होता है कि वो नेतृत्व करे, गाइड करे जिस चीज़ का भी वो लीडर है, ताकि उस चीज़ में वो आगे उसको लेके जा सके। हम शास्त्रों में सुनते हैं कि राजा जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अगर उसके राज्य में प्रजा धार्मिक कार्य ना करके अधर्म करती है तो उसका 1/6 भाग राजा को लेना पड़ता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का माहौल बनाए, यानी कि गाइड करे, ना कि एक स्पेक्टेटर बन के रह जाए, एक दर्शक बन के रह जाए कि हम अपने राज्य में सबको फ्रीडम देते हैं, आप जो मर्जी करिए, जैसा आपको ठीक लगेगा। सब कहते क्या राजा है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सबको टोटल फ्रीडम दे रखी है, जो मर्जी करो। अगर माँ बाप अगर बच्चों को बचपन से ही दे दें ऐसी फ्रीडम कि आपको फ्रीडम दी जाती है, जो मर्जी खाओ, जहाँ मर्जी रहो, जहाँ मर्जी करो, तो हम देखते हैं कि बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसका नुकसान बाद में होता है ना। इसी प्रकार से कोई लीडर है, राजा है, वो इस प्रकार से छोड़ नहीं सकता कि आपकी जो इच्छा है आप कीजिए, धर्म निरपेक्ष के नाम पे। इसको उदारवादी सोच कहा जा रहा है, जबकि ये सोच जो है वैदिक सोच से बिल्कुल उल्टी है। वैदिक सोच में गुरुकुल आते थे जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन करा जाता था। आज की डेट में भी कई सारे मिलिट्री स्कूल हैं। अगर आप मिलिट्री स्कूल, आप सब लोग चाहते हैं कि आप मिलिट्री के लोग बड़े बढ़िया होते हैं, हाँ, लेकिन यदि उनकी स्कूलिंग आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़बरदस्त डिसिप्लिन बचपन से उन स्कूलों में सिखाया जाता है, तभी वो परख निखर के बाद में आते हैं। तो वैदिक रीति ये नहीं है कि सबको छोड़ दिया जाए और उनको अपने मन की करने दिया जाए। इट्स अल्टीमेटली फ्रीडम, एवरीबडी हैज चॉइस, इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आखिर में हर कोई इंसान है, हर कोई अपना रास्ता चुन सकता है। वास्तव में रास्ता चुनने के लिए है ही नहीं, रास्ता तो एक ही है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि हम आप अपने विचार हमें हम पर थोप रहे हैं, थोप तो कोई सकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान भी भक्त संसार में जीवों के ऊपर अपना प्रेम, अपना सरेंडर, दासत्व थोपते नहीं हैं। लेकिन फिर भी सच्चाई तो वही है, जितना जल्दी हम इसको समझ लें। तो इसलिए पूरे संसार में धर्म निरपेक्ष, और वो संसार में नहीं घरों में भी आ गया, जैसे मैंने कहा घरों में भी लोग बोलते हैं हमने फ्रीडम दे रखी है टोटल, आप पिएगा कहीं बाहर जाके अगर पी भी ड्रिंक भी करेगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हाँ, नहीं तो हम डंडा करेंगे तो छुप छुप के पिएगा, ऐसा उनका विचार है। इसलिए उसको पीने दो, संसार में ठोकर खाएगा और बाद में लौट के आएगा। इज नॉट द राइट वे, हम छोड़ते तो हैं ही एक समय के बाद, लेकिन पहले उस पौधे में इतनी स्ट्रेंथ तो आ जाए कि वो सही गलत का फैसला कर सके। जब वो जब वो लता अभी छोटा सा है, उसको बिल्कुल केयर की आवश्यकता है, उसके अंदर फेंसिंग करने की आवश्यकता है। फेंसिंग क्या है? फेंसिंग मीन्स यू आर रेस्ट्रिक्टिंग, इट्स नॉट फ्रीडम। फेंस उसके अंदर उसको दबा दिया, अब कहोगे तो दबा दिया बेचारे को, दबाया नहीं है उसको, प्रोटेक्ट किया गया है। और जब वो थोड़ा विकसित हो जाएगा तब वो फेंस को हटा दिया जाता है ना, ट्री गार्ड होते हैं, आपने देखा ट्री गार्ड, ट्री गार्ड शुरू में ट्री में लगाए जाते हैं, ट्री को कैप्चर करके देंगे, कितने दुष्ट लोग हैं, हाँ, जरा से बच्चों को कैप्चर कर दिया है, एक जरा से पौधे को ट्री गार्ड में कैप्चर कर दिया है। सबको पता है कि ये ट्री गार्ड पौधे की भलाई के लिए है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ट्री गार्ड हट जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ, फिर वो स्वतंत्र है, उसके बाद वो स्वतंत्र है, अब वो इसको डिसीजन ले सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो धर्म निरपेक्ष है, जो उदारवादी विचार है, ये वैदिक विज्ञान विचारों से मैच नहीं करता है। तो बता रहे प्रभुपाद, ऐसा राज्य जिसकी रुचि संसारिक कार्यों में है, क्योंकि जब लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो लोग क्यों भक्ति की तरफ जाएंगे, है ना। पीपल नीड टू बी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड टू डू भक्ति। कितना दम लगता है, हम इतने सालों से लगे हैं फिर भी कुछ सैकड़ों लोग जुड़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे किसी प्रोग्राम में 10,000, 5,000, 25,000 लोगों को बुलाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनको मांज के भक्त बनाने में बड़ा खून लग जाता है। लेकिन वो भी ज़रूरी है, पहले बुलाया तो जाए कम से कम,
तो बहुत हम देखते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप, कहने का मतलब यदि आप छोड़ ही देंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत तैरने वाला तैराक बहुत कम मिलते हैं, है ना। धारा अगर नीचे को बह रही है उसके विपरीत तैरना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन यदि कोई कुशल नेतृत्व में तैरता है और साथ में लोगों का एसोसिएशन होता है तो सारे लोग फिर तैरने लगते हैं और फिर ये पॉसिबल हो जाता है। तो यदि हम इस प्रकार से छोड़ देंगे तो क्या होगा, केवल सांसारिक कार्यों में लोगों की रुचि होगी, रोटी कपड़ा और मकान, किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त तो सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो सुख प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। दिक्कत यह है, वो दिन रात सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, दैट इज वॉट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और फिर हमें बड़ा दुख होगा। सब कुछ तो किया हमने इसके लिए, शिक्षा दी, पैसा दिया, सब, फिर भी वे दुखी रह गया, अब हम क्या करें इसमें। नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि आप खुद भी फ्रीडम में रहना चाहते थे इसलिए आपने नीचे भी फ्रीडम दे दी। कई बार हमारी चर्चा होती है माता पिता से, हम तो बंद गए प्रभु जी, मेरी जिंदगी इस बच्चे के अंदर ही रह गई, चार दीवारें में ही रह गई और इस चक्कर में वो लोग फ्री होना चाहते हैं सारे प्रोसेस से, इसलिए वो नीचे भी फ्रीडम देते हैं, बच्चा का जो मर्जी करे पूरे दिन में, आफ्टर ऑल यस टू लर्न टू लिव लाइफ। हम फिर विदेशों का एग्जाम्पल देते, देखिए विदेशों में थोड़ी सी उम्र में बच्चे का घर ही अलग कर देते हैं, कमरा ही अलग कर देते हैं, उस कमरे में वो जो मर्जी करे। अब वैदिक रिचुअल में कमरा भी अलग करने में के पहले सोचा जाता है कि पता नहीं अलग कमरे में क्या क्या करेगा, लेकिन आजकल तो ताकि हमें फ्रीडम मिले, ताकि हम भी रात को एंजॉय कर सकें, इसलिए बच्चे को अलग कमरे में रखा जाए, फिर अलग घर ही कर दिया जाए। तो तुम भी जियो और जीने दो, एंजॉय करो और एंजॉय करने दो, दैट इज़ अ फिलोसफी। तो यहाँ बता रहे अल्टीमेटली सुख प्राप्त नहीं होगा, फिर हम सोचेंगे सब कुछ दिया हमने, क्या हुआ ये, क्यों नहीं हो पाया। उदाहरणार्थ प्रभुपाद कह रहे, यदि सारे लोग असत्यवादी हो जाएं तो क्या राज्य सुखी रह सकता है? नहीं। अतएव चाहे कोई हिंदू या मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर एक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन क्यों सत्यवादी बने कोई? व्हाट इज द इंस्पिरेशन, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मोटिवेशन कि हम सच बोलें? देन मोटिवेशन हैज़ टू बी समथिंग जिसकी प्रसन्नता के लिए हम सच बोलें। बता क्यों बोलें जब जीवन का पर्पस ही इंजॉय करना है, सोचने की बात है। तो कोई क्यों मॉरल वैल्यूज को अपनाए? क्योंकि जब आप चारों तरफ एक ही चीज को प्रमोट कर रहे हो कि इंजॉय, तो मॉरल वैल्यूज में क्यों फॉलो करूं? कोई भी आदमी जरा सा प्रैक्टिकल होगा तो ये सोचेगा इट अल्टीमेटली एंजॉय करना है ना। लेकिन अगर कुछ हाई प्रिंसिपल्स होंगे, किसी के प्रति अटैचमेंट, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट होगी, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए वो लोग कष्ट झेलेंगे और तपस्या करेंगे, कष्ट झेलेंगे, सत्य बोलेंगे, नहीं तो कोई किसके लिए क्यों जाएगा? इसीलिए यही कारण है कि आज की डेट में कोई माता पिता को क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जब बचपन से फिलोसफी यही है कि इंजॉय एंड लेट इंजॉय, तो अल्टीमेटली अगर उसके बीच में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो बाधा ही है, आप ही ने सिखाया बचपन से, आपने हमें भी, मतलब कि माता पिता को, आपने हमें भी बचपन में ऐसे ही छोड़ दिया था ना, दिस इज द फिलोसफी, हम आपसे यही सीखे हैं इसलिए हम यही करेंगे। तो इसमें बलिदान, त्याग, दूसरों के लिए जीना, ये आ ही नहीं पाएगा। तो इसको करने के लिए हमें ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा भगवान का भक्त बनाता है। इसलिए गुणों को लेना आवश्यक है जो नारद मुनि बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति का ही क्यों ना हो। इसी प्रकार हर एक को दयालु बनने में कुछ महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा देनी चाहिए, उपवास करने की, जैसे कि एकादशी। अब एकादशी में जब हम ये शिक्षा देते हैं उपवास करने की, तो कई जगह फिर ये आने लगता है बच्चा तो मर जाएगा बेचारा, खाएगा नहीं क्या कुछ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फलों पे ही रह ले या उपवास ही करे, खाए ना, निर्जल रह ले, बच्चे भी क्या निर्जल रह सकते हैं? अब बताइए, शिक्षा देनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं शिक्षा कब देते हैं आप, कब से दे रहे हो अपने बच्चों को शिक्षा? आप बच्चों को शिक्षा 15-20 साल तक दे रहे हो, तो ये वाली शिक्षा बाद में क्यों दी जाएगी? ये बाकी शिक्षाएं पहले दी जा रही है तो ये वाली ट्रेनिंग क्यों नहीं पहले दी जाएगी? जबकि बच्चे का शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड एनर्जेटिक होता है, जितना आदमी बड़ा होता जाता है 20 साल के बाद तो उसकी एनर्जी कम होने लगती है धीरे धीरे। आप देखते हैं बच्चा कितना खेल सकते हैं, बिना खाए पिए भी पूरे दिन खेल सकते हैं वो। तो हमारे अंदर ये जो सो कॉल्ड करुणा है, वो करुणा नहीं, वो कमजोरी है, क्योंकि हमने कभी तपस्या नहीं करी, इसलिए हमारे अंदर तपस्या करने का भाव नहीं है, इसलिए हम आगे भी नहीं दे पाते, हम घबरा जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं
कि मनुष्यों को जानवरों से अलग करने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग देना जरूरी है। हाँ, महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। खाना ही इज़ नॉट द पर्पज, एकादशी है। हम लोग कहते हैं इट्स अ फीस्टिंग डे, बट दैट इज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज फॉर द न्यू कमर्स, न्यू डिवोटीज। फीस्टिंग एकादशी एक उत्सव है, बिल्कुल सही है, बट ये उत्सव क्या है? उत्सव नाम उत्सव होना चाहिए। उतना प्रसाद पा सकते हैं, ऐसा भी ना हो कि उपवास करने के बाद आप पूरे दिन सोते रहे, दैट इज़ नॉट गुड। रूपाद ने कभी इसको नहीं बोला, इसलिए इतना भी नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी तो बढ़ाई जा सकती है जितना कर सकें, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। ध्रुव महाराज की तरह प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, दांतों को, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। आप बताइए 2 बार क्या, तो 1 बार नहीं नहाते हैं लोग, 2 बार दूर की बात है। सर्दियों में तो लोगों को कई बार हफ्ता हफ्ता बीत जाता है नहाए हुए। दिस इज, अगर आप देखेंगे संसार में ऐसा हो रहा है, तो 2 बार कहने पर बाद नहाना चाहिए, दांतों को, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। ये है हर किसी का पर्पस, अब चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है हम सबका। अतः मनुष्य को चाहिए कि भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता की परवाह ना करे। चाइनीज भी हरे कृष्णा बोल सकता है, ईसाई भी हरे कृष्णा बोल सकता है। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य स्खलित ना करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। कहाँ से देंगे ये शिक्षा? खुद ही जब स्खलित करने के लगे हुए हैं तो शिक्षा कैसे दे सकते हैं बच्चों को? इसलिए बच्चे बहुत ही कम उम्र में कुछ कृत्रिम तरीकों से वीर्य स्खलित करने लगते हैं, और ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है कि ये फिर जीवन भर छोड़ा ही से छूटती नहीं है, क्योंकि ये कभी शिक्षा ही नहीं दी। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कैसे अपने भावी पीढ़ी को नरक की तरफ ले जा रहे हैं और उसमें हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ये कभी वैल्यूज थी नहीं, रही नहीं, पीछे कुछ सालों 100 सालों में समाप्त हो गई। हमने भी यही ट्रेनिंग ली। हाँ, कितने मेरे को याद है कि टीवी, रेडियो, बचपन में जब छोटा था वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें आती थी, उसमें प्रश्न पूछा जाता था ये वाला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो वो बोलते थे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कृत्रिम रूप से करो, चाहे कैसे भी किसी के साथ सेक्सुअली इंजॉय करो, ये जो होता है इसको आप जस्ट एक नींबू पानी भी पी लेंगे तो शरीर में उसकी शक्ति वापस आती है। आयुर्वेद तो कुछ और कहता है। आयुर्वेद तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डीप में बताता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान होता है बॉडी में, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि ऊर्ध्व रेता, जो हम सुनते हैं कुमारास के लिए, कि उनका जो वीर्य है वो नीचे को ना जाके ऊपर को जाता था। नीचे को कब जाता है? जब सेंस डिज़ायर्स होती हैं, और ऊपर को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाके ब्रेन को नरिश करता है, क्योंकि वो बहुत ही ब्लड के भी कितने पार्टिकल में से एक उसका पार्टिकल बनता है, और ब्लड आप जानते हैं कितने खाने के पार्टिकल में से एक बूंद ब्लड की बनती है, और कितने उस बूंदों से एक पार्टिकल ऑफ ये बनता है, और फिर हमारे ब्रेन को नरिश करता है। इट्स नॉट फॉर वेस्टिंग हेयर एंड देयर। इसलिए आजकल संतान भी फिर वैसी होती है, क्योंकि इट हैज़ बीन वेस्टेड सो मेनी टाइम्स। लेकिन जब इसको प्रिजर्व करके सही तरीके से गर्भदान संस्कार के द्वारा किया जाता है तो एक दिव्य संतान पैदा होती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। कहाँ से? अरे प्रभु जी ऐसी बात करेंगे, शर्म आ रही है हमें, बेशर्मी की हमने सारी हदें तोड़ रखी हैं और हमें शर्म आ रही है। हमने इंजॉयमेंट कर करके बेशर्मी की सारी हदें तोड़ रखी हैं, हमने पोर्नोग्राफी देख देख के सारी हदें तोड़ रखी हैं, लेकिन हमें शर्म आ रही है ये ट्रेनिंग देने में अपने बच्चों को, जबकि हमने न जाने कितने कुकर्म कर लिए हैं। करेंगे नहीं, चाहे अपने अपने विवाह में ही क्यों ना करें हो, लेकिन अब ये ट्रेनिंग देने में हमें शर्म आ रही है। ये सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है, प्रभुपाद कह रहे हैं नितांत आवश्यक। व्यर्थ में वीर्य स्खलन ना होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता, शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। सोच लीजिए कोई व्यक्ति क्यों तपस्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जरूर अननेसेसरी कर रहा होगा, वीर्य स्खलन कर रहा होगा। आप देखेंगे किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है भक्ति करने का, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ ये हो रहा होगा, उसको चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है, उसको करने का मन नहीं कर रहा है, भक्तों से दूर भागने का प्रयास करता है। क्योंकि उसके अंदर संकल्प, स्मृति, क्रियाशीलता, शारीरिक शक्ति समाप्त हो रही है, जैसा प्रभात बता रहे, और ये सब इसको प्रिजर्व करने से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से
संतुष्ट रहने की शिक्षा देनी चाहिए, जबकि हम असंतुष्ट रहने की शिक्षा देते हैं। हम बचपन से ही उसके बच्चों के दिमाग में ड्रीम्स ड्रीम्स एंड ड्रीम्स अनलिमिटेड डाल देते हैं। ये ड्रीम करेगा तब कुछ बनेगा, तब कुछ प्राप्त करेगा, जबकि यहाँ बता रहे ट्रेनिंग देनी चाहिए संतुष्ट रहने की। जितना मिल गया कोई बात नहीं। आजकल मैं बता रहा हूँ फिर से, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, गुरु क्लास खुले हैं, आश्रम खुलते हैं, तो उसमें जरा सी भी ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए तो घर से सप्लाई आने लगती है इस बच्चे के लिए। अरे हाँ, सब लोग सो रहे हैं माना किसी जगह पर, लेकिन मेरे बच्चे को ठंड ज़्यादा लग रही होगी, इसको ये वाली रजाई दे देना, इसको ये पेड़ा दे देना, बेचारा भूखा है। तो हम भी मना नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थितियों में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बता रहे संतुष्ट रहने की शिक्षा देनी चाहिए कि जो मिल रहा है कैसे उसमें, इट्स अ ट्रेनिंग। जैसे कि अगेन मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट करी जाती है उनके लिए। मुझे कोई पहले ही बताया था, मुझे कोई बता रहा था कि मिलिट्री में क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से किसी पहाड़ी एरिया में, जंगल में आपको गिरा देते हैं और कुछ नहीं देते आपको, इट्स अ ट्रेनिंग। और आपको सीखना है कि हाउ टू सर्वाइव इन जंगल, बेसिकली कभी आप जंगल में गिरोगे तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे। उसको फिर लेने आते हैं एक्स नंबर ऑफ डेज के बाद, माना 10 12 15 दिन के बाद उसको लेने आते हैं, उसी जंगल में ढूंढते हैं और पिक कर लेते हैं। सोचिए कैसी ट्रेनिंग है कि उसको जंगल में सर्वाइव करना सीखना है। और उसी तरीके से हमारे बच्चे हैं, हम खुद भी हैं, हमें भी ये ट्रेनिंग लेनी है, चाहे हम बड़े भी क्यों नहीं हुए हैं। क्योंकि जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं जानता है। आज मेरे पास पैसा है, पता नहीं कल पैसा होगा कि नहीं होगा। क्या हमारे बच्चे जा पाएंगे ऐसे टॉयलेट में, हाय हाय डर्टी है, गंदा है, उतरती नहीं है प्रभु जी नीचे। हाँ, अब ये उतरने की आदत डालिए ना, क्योंकि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ये सोचना चाहिए। प्लस जिस तरह से हमें कहीं पर भी किसी तीर्थ स्थानों में जाना है या कहीं कहीं जाना है, तो वी हैव टू अडेप्ट आवर सेल्स, अदरवाइज वी विल लुकिंग फॉर कहाँ कहाँ पर होटल हैं फाइव स्टार, तो वहीं जाएंगे। और न केवल ये बल्कि जीवन में इससे सरलता भी आती है। एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि फाइव स्टार होटल में के टॉयलेट में भी जा पाए और जंगल में भी जा पाए। इसी तरह हर चीज़ की उसको बता रहे हैं कि संतुष्ट रहना, शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की ट्रेनिंग, शिक्षा, इंस्पिरेशन देनी चाहिए। इंस्पिरेशन भी बाई नॉलेज, जैसे अभी हम नॉलेज के रूप में इंस्पिरेशन दे रहे हैं, फिर कुछ नियमों के रूप में उसको डिसिप्लिन से करेंगे। लेकिन साथ में बच्चों और बड़ों के दिमाग में ये होना भी चाहिए शास्त्रों से कि ये ज़रूरी क्यों है, जैसा यहाँ पर उपात बता रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो बताया कैसे हम वीर स्खलन ना करें उसकी ट्रेनिंग दें, कैसे हम तपस्या की ट्रेनिंग दें, प्रभुपाद बता रहे हैं तभी हम जानवर से अलग हो पाएंगे, तो जानवर ये सब नहीं कर सकता है। और कैसे शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जाए। ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिला ना, नो प्रॉब्लम। इतना खत्म हो गया खाना, खत्म हो गया बेटा, यहाँ तो खत्म ही हो जाता है। मैं तेरे लिए टिफिन तेरे लिए पहले से मैंने चुरा लिया था, अलग से रख लिया था। मतलब जरा सी बातें हैं, हम उसको ये ट्रेनिंग दें कि संतुष्ट रहना सीखो। ओके नहीं मिला, कोई बात नहीं बेटा, सवेरे मिल जाएगा, चल बाहर थोड़ा सा फल खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू गिव देम द ट्रेनिंग कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। सबको मिल गया प्रभु जी, सबको पेंसिल का बॉक्स मिल रहा था, मेरा बच्चा रह गया, उसके लिए बवाल हो रहा है, सबको दे देते हैं, यहाँ पे तो भेदभाव है, मैंने ऐसी देखा है, अपनों को पेंसिल का डब्बा दे देते हैं, पता नहीं अपना पराया कैसे हो जाता है अचानक से। तो अब क्या किया आपने इस प्रोसेस में, अपना भी, अपने दिमाग को भी करप्ट किया, बच्चे के दिमाग को भी करप्ट किया। जबकि हम ये ट्रेनिंग दे सकते थे, कोई बात नहीं बेटा, बाकियों को मिल गया, यू रिमेन सेटिस्फाइड। बट ये बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है ओ वंचित रह गया, गलत हुआ, मेरे हमारे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं, तो हमें दबाया जा रहा है। आदमी पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है उसके बाद, क्योंकि उसको ये ट्रेनिंग कभी नहीं मिली कि उसको संतुष्ट रहना कैसे सीखना है। ध्यान रखिए, चीज़ों को मिलने के बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी। ये दिल मांगे मोर, हाँ भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, इट बर्न्स लाइक फायर, दिस डिज़ायर्स, ये लालच ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। इसलिए ट्रेनिंग किस बात की होनी चाहिए, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहो। हाँ है कि नहीं, बचपन में हमें याद आता है कि हम लोगों के अंदर एक कमियाँ थी, हम लोग क्या करते थे कि हम तीन चार भाई हैं माना, या कुछ भक्त लोग बैठे या कुछ लोग बैठे हैं, उसमें कोई अच्छी चीज़ बट रही है तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है ये तो कम हो सकती है, तो माना कुछ पकौड़े बटे तो हमने फटाफट से पकौड़ा खा लिया। हाँ फिर मांगा और है, नहीं है, फिर दूसरों की प्लेटों में देखते रहे। हाँ अब इतना हम लोग ऐसे दुष्ट थे, फिर माँ जो है अपना हिस्सा हमें दे देती,
और हम गड़प 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 खा जाते थे, नहीं तो किसी भाई का, बड़े भाइयों का दिलवा देते जबरदस्ती, छोटा बच्चा है यार, ये लो ये ले, इसको दे दे इसको दे दे। और छोटा इतना दुष्ट है कि वो फटाफट खा जा रहा है ताकि उसको दूसरे का भी मिले। ये विपरीत ट्रेनिंग है, विपरीत ट्रेनिंग है कि ला ममता ममता है। अगर हम उसको सिखाएं बेटा तुमको तो बड़ों को देना चाहिए, हाँ, लेकिन उस वक्त ममता आगे आ जाती है और उस बच्चे के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि अपना माल पहले अंदर करो, नाम जाम नाम जपना पराया माल अपना। तो पराया माल अपने अंदर, रसगुल्ला आया तो फटाफट से निपटा दो, फिर इधर उधर देखते रहो किसी को तरस अच्छा रसगुल्ला चाहिए, चलो बस मिल गया। तो ये टेंडेंसी बन जाती है। जैसे कि हमने एक और आदत बताते हैं, बचपन में कई बार बच्चे क्या करते थे, मुझे आज भी याद है, शकरकंदी वाला आता था तो शकरकंदी के रेड़े में खड़े हो जाते थे, उससे बातें करते रहते थे। एक बच्चा तुलवाता था, बाकी बच्चे खड़े खड़े तीन चार शकरकंदी जेब में। हाँ, ये तो रियल सिचुएशन बता रहे हैं। फिर बड़े होने पर उसकी आदत बन गई उस व्यक्ति की, वो दुकानों में बातें उसका, वो कहता मैं करता नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। दुकानों में खड़ा है, दुकान के काउंटर पे कुछ सामान पड़ा है, जेब में डाल दिया। बचपन में हो सकता है माँ बाप ने बुलाओ, अरे वाह, अरे क्या दिमाग लाया, या आपको पता चला तो आपने उसको दंडित नहीं किया जबरदस्त तरीके से, तो उसकी हैबिट बन गई। जो चीज़ नहीं है उसको चुराने की। हाँ, आपके पास नहीं थे अच्छे पैसे, आपके बच्चे के पास पेन अच्छा नहीं था, उस बच्चे ने स्कूल में से किसी और का पेन चुरा लिया, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, आपने कोई नहीं सिखाया जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहना है। इस प्रकार की ट्रेनिंग हमें भी आवश्यक है, हमें भी आवश्यक है, क्योंकि अब हम बिगड़ चुके हैं ना, हम तो बस अब यही, जैसे मैंने बताया, अब तो यही लगता है मुझे क्यों नहीं मिला, यहाँ कुछ और ही बता रहे हैं, संतुष्ट रहने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है, मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि सब कुछ हमें मिल चुका है। वास्तव में ये प्रोसेस, ये परंपरा हमें मिल चुकी है, इसमें हमें सब कुछ मिल चुका है, हमें पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस संसार में कोई वस्तु तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डज नॉट मैटर, मैं किसी कूड़े में पड़ा रहूंगा, कोने में गिरा रहूंगा, ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तब हम जानवर से डिफरेंट हो पाएंगे। जानवर क्या करता है, कुत्ता एक प्लेट में खाता है, दो कुत्ते एक प्लेट में खाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, देखना तो थोड़ी थोड़ी देर में दांत देखा, एक दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो एंग्जाइटी है इतनी ज्यादा कि ये सारा हड़ा पड़ा है। तो मैं, आप देखेंगे कुत्ता चबाता नहीं है अक्सर, जब कुत्ते को कुछ देंगे ना आप, लबड़ पूरा वो अंदर सटक जाना चाहता है उसको, आप देंगे तभी ग्रीडी डॉग बोलते हैं। इस कारण से वही सोचता है ये साथ में ये भी खा रहा है मैं भी खा रहा हूँ, ये गलत है। तो अपनी स्पीड बढ़ाता है और उस प्रोसेस में दांत दिखाता है, और फिर वो लड़ मरते हैं आपस में। ये कुत्ता नहीं बनना है, हमें संतुष्ट रहना सीखना है। भाई इसी बात पे अगर आप मेडिटेट करें ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ है कि हम, क्योंकि सारे झगड़े दुनिया के बंद हो जाएं, भक्तों में संसार में, जब हम संतुष्ट रहना सीख जाएं, तो जब हम सीखें, जब हम सोचें कि हम परम भगवान मिल चुके हैं वास्तव में, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम एक्चुअली उस उन प्रोसेस भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा नारद मुनि के लिए बोलते हैं वेद व्यास, यू हैव टू सेटिस्फाई कृष्णा, यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, बाई कीपिंग फास्टिंग्स वी ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्णा। जन्माष्टमी में लोग कहते हैं उत्सव मनाओ ना, भूखे क्यों मर रहे हो, भगवान पैदा हुए हैं, हम भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खाना भूल जाते हैं, खाते नहीं हैं, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से ये संतुष्ट रहने की जो ट्रेनिंग है, इसलिए इतने सारे फास्टिंग है, इसलिए तपस्या है। तपस्या क्या है, वॉलंटरली टेकिंग पेन, अपनी इच्छा से हम पेन लेते हैं अपने ऊपर, तो उससे हम अपने आप को संतुष्ट रहना सिखाते हैं, कम से कम में, मिनिमम में। जब संसार के स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं समझा रहा हूँ मिलिट्री स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी जा रही है, वी आर डिवोटीज, तो ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं इस पर खूब गहरा विचार कीजिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या हम ऐसा करने की शिक्षा दे रहे हैं अपने घर में। ये मनुष्य के सामान्य गुण हैं, ध्यान रखिए, इसमें धर्म निरपेक्ष धार्मिक राज्य का प्रश्न नहीं है। जब तक मनुष्य इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती मनुष्य को, तब तक शांति नहीं हो सकती। अंततो गत्वा इस प्रकार संस्तुति की जाती है कि श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते। हर एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए, क्योंकि भक्त बनने पर मनुष्य को अन्य सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहे प्रभु जी, ये अनर्थ क्यों हो जाते हैं, ये कंपेरिजन क्यों हो जाता है, ये सब मुसीबतें क्यों हो रही है हमारे अंदर। हाँ, इसलिए हो रही है कि भक्त बनने के बाद भी हमारा श्रवण अच्छा नहीं है। हाँ, कोई हमें अपने दिमाग को
हिलवा नहीं रहे किसी से, अपनी चेतना को झंझोर नहीं रहे, करे जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो चलेगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि नाम का असफल उतना प्राप्त नहीं होगा जब तक नाम अपराध नाम अभास होगा, तो वो फल प्राप्त नहीं होगा, फल तो मिलेगा ही। जैसे कि दवाई अगर आप ठीक समय पर खुराक खाने से पहले खाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से, दवाई का असर तो होगा लेकिन वो असर नहीं हो पाया, इसलिए ये जा नहीं रहा है हृदय से। जिसमें कृष्ण की अविचल भक्ति है उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं, किंतु जिसकी भक्ति अनुरक्ति भगवान में नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वह मनोरथ द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है, चाहे वो कितना भी सभ्य पुरुष क्यों ना लगता हो, वह भगवान का भारी रूप है। अतएव हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन सबको गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और विश्व शांति के लिए इन नियमों का अभ्यास करे। तो ये नियम क्या है? सत्यता हम सिखाएं बचपन से ही, दया, तपस्या, दिन में 2-3 बार स्नान करना, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक करना, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों में क्रमशः अवकाश लेना, अनावश्यक यूजलेस एक्टिविटीज से अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता को समझना, गंभीर शांत बने रहना, व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना, सभी जीवों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को परमेश्वर को का अंश मानना, भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना, इन कार्यों का तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास करना, पूजा करना, नमस्कार करना, दास बनना, मित्र बनना, आत्मसमर्पण करना। तो इन गुणों का हमें सूर्य समाज को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब वो साधारण मनुष्य बनेगा। अभी हमने भक्तों के 26 क्वालिटी डिस्कस नहीं करी है। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।